अमीनो एसिड की बात कर रहे थे बेटा आप, अगर अपन दीदी अमीनो एसिड की बात करें तो इससे बेटा बात हर साल मुझे क्वेश्चन उठता है, जैसे की बात विटामिन से क्वेश्चन उठता है, विटामिन की अपन बात कर चुके थे बेटा, विटामिन पढ़ा चुके नहीं पढ़ा चुके, वैसे मुझे बात करें अमीनो एसिड से भी क्वेश्चन आता है। अमीनो एसिड की बात करें, अमीनो एसिड आपको पता है क्या होता है, मोनोमर और बेटा बात करें क्या प्रोटीन, जैसे आपने बोला था बात थे हमारे पास जो बात के एनर्जी के सोर्स थे प्रोटीन ही थे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट का बेटा बात करें अपन ने हमारे देश संजय की वजह से उसको तोड़ा था, वो बनाया था ग्लूकोज, बुरे बात करें ग्लूकोज जब बुरे बात करें बना था कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, वो कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो चाहे वो स्टार्च हो चाहे उसको ग्लाइकोजन हो चाहे वो बुरे बात करें सेलुलोज हो चाहे कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, हाँ समझ रहे दोस्त, जब बेटा कार्बोहाइड्रेट हमारे देश संजय की वजह से टूटता है तो इस प्रोसेस का नाम था हाइड्रोलाइसिस, क्या नाम था बोला, तो जो एंजाइम बेटा कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं उनको मैंने नाम बोला था हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मैंने पहला बोला था क्या अमाइलेज, अभी अगर आपकी लार से निकल रहा तो सलाइवा या अमाइलेज बोला दीदी बात कर, अगर आपके पैंक्रियास से निकल रहा तो बेटा बात कर पैंक्रियाटिक अमाइलेज बोला था, और अगर स्टमक से निकल रहा तो गैस्ट्रिक अमाइलेज बात की थी कि नहीं की थी, और ये कार्बोहाइड्रेट को बदलना था किसके अंदर ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज की बात करें मोनोमर यूनिट थी जो कार्बोहाइड्रेट को बनाती है बेटा। एसिडिटी की बात करें हमारे पास सेकंड बुरे बात का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था बेटा बात करें हमारे पास प्रोटीन, याद आ रहा है यार प्रोटीन जब बुरे बात करें टूटती है ना किसकी वजह से टूटेगी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से। अब वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन पेप्सिन प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज पेप्टाइडेज जो भी हो, बुरे बात करें पर दो एंजाइम बड़े प्यारे फेमस होते हैं, एक पेप्सिन दूसरा ट्रिप्सिन। पेप्सिन कहाँ से निकलता है, स्टोमक से, और वो ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, आपके पैनक्रियास से, जो प्रोटीन को दीदी कन्वर्ट करते हैं इसमें अमीनेशन में, तो ये वही अमीनेशन है। और आपने कहा था कि ये प्रोटीन पूरे टूटती है तो हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड होने को तो बीटा डेटा गामा बहुत सारे होते हैं, पर हमारे सिलेबस में कौन सा बेटा बात करें अल्फा अमीनो एसिड है, बस समझ पाए। और थर्ड बेटा मटेरियल हमारे पास बुरे बात करें फैट, फैट और अगर फैटी एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से टूटे तो बनता है बुरे बात करके हमारे पास फैटी एसिड और ग्रेस, और यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम था बुरे बात करके हमारे पास जी लाइपेज एंजाइम, अब वो चाहे बेटा बात करें हमारे पास गैस्ट्रिक लाइपेज हो चाहे वो बुरे बात करें पैंक्रियाटिक लाइपेज। साथ में अपन ने बोला था कि फैट की एमल्सिफिकेशन में हेल्प एक और करता है मटेरियल जिसका नाम था बेटा बात करें बायोजीस, क्या नाम था बायोजीस। खैर अपन को सब दीदी बात करें बायोमोलिक अपन पढ़ चुके हैं डाइजेशन, लेकिन जो कुछ बची हुई बात है जिस कार्बोहाइड्रेट को बहुत डिटेल में ले जाना है दीदी, कुछ फैट की बात करनी है, कुछ प्रोटीन की बात करनी है, कुछ न्यूक्लिक एसिड की बात करनी है, यही बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल का मतलब सेल के अंदर बुरे बात करें पाए जाने वाले बेटा बात करें क्या रॉ मटेरियल जिनसे बुरे सेल मेम्ब्रेन बनती है, जिनसे सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं, जो बेटा बात करें सेल के अंदर एनर्जी के सोर्स होते हैं, इन सब की बेटा उनको बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बोलूँ क्या पूछना चाह रहे बेटा बात करें अमीनो एसिड की बात में, अमीनो एसिड बुरे बात करें बता देखा जाए डिफरेंट टाइप की बेटा प्रोटीन को बनाने के लिए क्या करते हैं 20 अमीनो एसिड यूज होते हैं, क्या लिखा बेटा बात करें 20 बुरे बात करें बताए अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स आर यूज इसके लिए बताओ बेटा बात करें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेटा बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, क्या के लिए बताओ बेटा बात करें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुरे बात करें जल्दी बोलो प्रोटीन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन विभिन्न प्रकार की बेटा बात करें प्रोटीन बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन बनाने के लिए क्या करते हैं केबल और केबल 20 प्रकार के अमीनो एसिड यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन फिर यही आता है हाउ मेनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर बेटा डिस्कशन सेल फॉर बुरे बात करें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, तो ओनली 20 दीदी बात करें अमीनो एसिड आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बेटा बात करें क्या प्रोटीन, ये याद रहेगा। अच्छा बोले 20 में अगर अपन देखें तो बेटा बात करें 10 क्या होती है बुरे बात करें एसेंशियल और 10 क्या होते हैं नॉन एसेंशियल, बुरे बात करें जो हमारी बॉडी में दीदी बात करें नहीं बनती उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब क्या है आवश्यक, और दूसरा क्या होता है बेटा बात करें नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो बुरे बात करें टू टाइप के अमीनो एसिड होते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल, एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते जिनको दीदी अपन किसके द्वारा बेटा बात कर लेते हैं बताओ अपटेक बाय बेटा बात करें क्या या अपटेक इन फॉर्म ऑफ फूड, समझ पा रहे जल्दी बोलो किसके रूप में बेटा अभी बन लेते हैं फूड के फॉर्म। तो बुरे बात के 20 में से हमें केवल इनके बारे में पढ़ना है, समझ पा जो 10 एसेंशियल है 10 दीदी बात करें एसेंशियल होते हैं, बाकी 10 क्या होते हैं बेटा बात करें नॉन एसेंशियल, एसेंशियल वो होते हैं बुरे बात के जिनको जो हमारी बॉडी में नहीं बनते
जिनको हमें बुरी बात पर फूड के द्वारा लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, और बुरे बात की जो हमारी बॉडी में बुरे बात के बनते रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल। दीदी बात करें जो हमारे पास 10 बेटा बात करें एसेंशियल एमिनेशन होते हैं, बुरे बात करें पता है वो कौन कौन से होते हैं, तो अगर इनके बारे में बात करें तो इनको मैं आराम से लिख सकते हैं। वैसे मैं कभी दीदी बात करें आपको पता है दुनिया भर की ट्रेड भी पढ़ाता हूँ, अब दीदी बात करें यहाँ चाहता हूँ कि आप पढ़ लो ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। हमारे पास जो पहला आता है बेटा बात करें वो कौन सा है, टी। दूसरा दीदी बात करें भी समझ पाए, फिर आता दीदी बात करें एम, फिर आता बेटा बात करें आई आई, फिर आता बुरे बात करें एल, फिर दूसरा भी एल समझ पाए, फिर आता बेटा बात करें पी, फिर आता बुरे बात करें ए, फिर आता बेटा बात करें क्या टी, और बुरे बात करके आता है एच। थोड़ा सा ज्यादा हो गया पति की बात का बस समझ गए। अगर अपन देखो इसको याद करना चाहें तो बोलो ऐसे याद कर सकते हो, टी वी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ से मुझे बात करें आपको सारे अमीनो एसिड मुझे बात करें याद हो जाए, मतलब सेंसर अमीनो एसिड याद हो जाए। अच्छा दीदी बताओ पी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा बात करें बताओ, जल्दी बोलो मुझे चलिए बोलिए कि ट्रिप्टोफैन, फिर आप बोलो जो आप बोलो कि कोई गारंटी की बात करें थ्री हो जाए, आपके कहने पर ही किया है ठीक है, बात कर फिर बताए क्या बैलिन, फिर मुझे बात कर क्या मिथियोनिन, मिथियोनिन दो दो तीन तीन बार नाम बोला है, थ्रियोनिन बैलिन मिथियोनिन आइसोल्यूशन, क्या बोलते हैं आइसोल्यूशन आइसोल्यूशन पूरे बात कर ल्यूसिन या ल्यूसिन बोल आइसोल्यूशन और ल्यूसिन, के बाद बात कर लाइसिन, लाइसिन के बाद आप बोल सकते हैं फेनिल एलिनिन, बुरे बात करें उसके बाद क्या आएगा बताओ, बुरे बात करें आर्जिनिन, क्या बोलते बेटा बात करें आर्जिनिन, आर्जिनिन के बाद बोलो बात करके आएगा ट्रिप्टोफैन, क्या आएगा बेटा बात करें ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के बाद बोलो क्या आएगा एच, मतलब बेटा बात करें हिस्टिडीन, क्या बोले बोलो बात कर हिस्टिडीन, हिस्टिडीन ये दी बात करें बस टेंस एसेंशियल एमिनेशन, कौन कौन सा बेटा बात करें टी मींस थ्रियोनिन, बी मींस वैलिन, एम मींस मिथियोनिन, आई आइसोल्यूशन, एल ल्यूसिन, ये तो बड़े प्यारे याद हो जाते हैं बात करें ल्यूसिन के पहले आइसोल्यूशन, आइसोल्यूशन ल्यूसिन और दूसरा चीज लाइसिन, ये बड़े किसे दिखते नहीं दिखते तो इनको कोई दिक्कत नहीं आई, आइसोल्यूशन ल्यूसिन लाइसिन। बच्चा दीदी बात कर बात कर तो फेनिल एलिनिन, क्या बोलते बेटा बात करें, अच्छा बेंजीन का हमें फेनिल याद रहता ही है और उसके साथ दीदी बस एलिनिन जोड़ना है, तो फेनिल एलिनिन और एलिनिन जहां खत्म होता वहीं से आर्जिनिन, जो कितना प्यारा फेनिल एलिनिन आर्जिनिन पूरे बात का लास्ट का क्या बचा बेटा बात में ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन कौन सा फैन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन दो पूरी बात कर किससे है बेटा बात कर पता टी से है, एक तो थ्रियोनिन और बेटा ट्रिप्टोफैन, एक दी बात कर एफ से लिथियोनिन, फिर दी बात कर आइसोल्यूशन ल्यूसिन लाइसिन, तो पूरे बात फेनिल एलिनिन और दी आर्जिनिन और बेटा ट्रिप्टोफैन और पूरे बात कर हिस्टिडीन, बात समझ में आ रही है। इनमें पूरे बात करें कुछ हमारे पसंद है बात करें बेसिक, दीदी बात करें बेसिक, अगर कुछ कोई पूछे कि तो बेसिक एमिनो से कौन कौन से होते हैं तो पूरे बात करें कोई ज्यादा कुछ याद नहीं करना, पूरे बात करें हिस्टिडीन बेसिक है, पूरे बात करें आर्जिनिन बेसिक है और पूरे लाइसिन बेसिक है, बस एक छोड़ के एक याद कर लो देखो ये बेसिक है और ये तुम्हारे क्वेश्चन पूरे बात करें साल दस साल मीट करते रहते हैं, उनमें से कौन सा चार देगा चार में से बेसिक कौन सा है, तो दीदी बात करने से आगे ना हमारे पास बेसिक कौन कौन सा बेटा बात करें वो लाइसिन आर्जिनिन और पूरे बात करके हिस्टिडीन, ये बेसिक समझ पा रहा है, पूरे बात कर कुछ हमारे पास एसिड भी मतलब एसिडिक भी है पर वो एसिडिक इसमें नहीं है, एसिडिक पूरे बात कर दो ही आते जनरली एसिडिक पूरे बात करें अमीनो एसिड वो नॉन एसेंशियल बेटा है, कौन सी पूरे बात करें नॉन एसेंशियल में आ जाते पूरे बात करें एसेंशियल में पूरे बात करें एसिडिक नहीं आते, तो वो आते पूरे बात करें तो हमारे पास ग्लूटामिक एसिड और एक बेटा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड
एस पार्टिकल्स और दूसरा क्या होता है दूर करने का स्टडी। जैसे पूरे बात कोई प्रोटीन है और प्रोटीन के ऊपर कौन काम करता है प्रोटीओलाइट के कहलाता है। कौन काम करता है बेटा प्रोटीओलाइटिक एंजाइम। ये प्रोटीओलाइटिक एंजाइम दीदी क्या क्या हो सकते हैं चाहे दीदी बोलो तो इसको बेटा ये पेप्सिन हो सकता है चाहे तो क्या बोल सकते हैं ट्रिप्सिन पेप्सिन ट्रिप्सिन कहा पर हमारी बॉडी में और दीदी बात करें बॉम कैलोरी बीटर में मैंने आपको पढ़ाया था ये दीदी बात करें फैट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बेटा बात करें ऑक्सीडेशन वहां दीदी पर दो चीजें बात की ग्रॉस हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक ग्राम प्रोटीन को दौड़ा था तो आपको दीदी बात कर पता है कितनी रेट मिली थी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम बात समझ में आ रही थी और दीदी फैट तोड़ा तो कितना मिला था 9.9 किलो कैलोरी पर ग्राम हमारी बॉडी की बात करें और कार्बोहाइड्रेट को भी थोड़ा प्रोटीन कितना मिला था 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। लेकिन अगर यही बात अपन ने कहाँ पे की थी अगर बॉम कैलोरीमीटर मतलब दीदी बात किया था एक मेटल का चैम्बर था जहाँ ऑक्सीजन की वजह से चीज को तोड़ रहे थे लिखवाई थी दोस्त तो बताओ बेटा बात बॉम कैलोरीमीटर में कितनी थी कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू 4.4.1 और बेटा बात करें प्रोटीन की कितनी थी 5.65 बोलो बात करें या 5.6 जो भी याद रह जाए और बेटा बात करें फैट की थी 9.45 याद आ रहा कि नहीं आ रहा बोलो बात करें तो वही चीजें हैं बेटा प्रोटीन को दौड़ोगे तो मुझे बात करें क्या मिलेगा अल्फा मिश्रण कितने टाइप के मिल सकते हैं 20 टाइप की दीदी बात करें हमारे पास जो अल्फा मिश्रण है उन बोलती थी कितने टाइप की कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो बॉडी में नहीं बनते जिनको हम दीदी फूड के फॉर्म में अपटेक करते हैं और बेटा बात करें नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में खुद बनते रहते हैं इसलिए हमारे एसेंशियल नहीं है। अच्छा बेटा बात जो एसेंशियल है बोलो बात करें वो टेन कौन कौन से बेटा बात करें वो है टी बी मिल्क पार्ट समझ पा रहा हूँ। अच्छा टी मिल्क पाथवे टी क्या बता रहा है बेटा थ्रियोनिन क्या बता रहा है वैलिन एम क्या बता रहा है विनकोलिन आई क्या बता रहा है आइसोल्यूसिन एल क्या बता रहा है ल्यूसीन ए और एम क्या बता रहा है लाइसिन पी क्या बता रहा है फेनिलएलनिन ए क्या बता रहा है आर्जिनिन बेटा टी क्या बता रहा है ट्रिप्टोफैन और एच क्या बता रहा है हिस्टिडीन। तो ये पूरे बात के हमारे पास क्या है 10 एसेंशियल न्यूट्रिशन उनमें से पूरे बात मैंने कहा बेसिक कौन कौन से हैं बेसिक की बात कर रहे हैं लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन आपको कभी याद है तो पीछे से याद कर लो पहला है दूसरा नहीं है तीसरा है चौथा नहीं है पांचवा है और आगे की कोई भी नहीं। फिर कभी कोई पूछे बेटा बात एसिड कौन से होते हैं तो दो अमीनो एसिड की बात करें नाम ही उनके छिपा है बेटा बात करें एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड नाम ही छुपा है एसिड है ये तो पर ये दोनों क्या बेटा बात करें नॉन एसेंशियल। आपको दीदी बात करें कितने हैं 20 के 20 याद नहीं करना नहीं जबरदस्ती आपका भूल जाता है आपको बस याद करना है एसेंशियल कौन से और जब वो ऑप्शन आएगा उसमें पूछे एसेंशियल कौन है तो जी बेटा इनमें से तुम्हें एक देगा और वो बात क्या पता 3 देगा बेटा नॉन एसेंशियल आप देख लीजिए कौन आ रहा है या फिर उसमें ऐसा दे दीजिए बात करने से कौन सा बेटा बात करें नॉन एसेंशियल है तो एसेंशियल तुम्हें याद है दीदी 3 देगा एसेंशियल एक बेटा देगा नॉन एसेंशियल कोई भी देख सकते हैं उसमें दिए इनमें से कौन सा बेसिक है आपको याद रखो एक ही देगा कोई अगर अपन लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएं तो उसमें आपको बेटा कई बार मिलेगा लास्ट ईयर दीदी बात कर बताए यही एक ही क्वेश्चन कोई बायो में दिया कोई नगर बात केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया एक दीदी बात का अमीनो एसिड 3-3 क्वेश्चन तक बच जाते बेटा एक साथ में सोचो कि मैं कैसे पॉइंट देखो आपको इतना याद है आपको कम हो जाएगा। अच्छा अमीनो एसिड का पूरे बात का फॉर्मूला क्या होता है नाम भी क्लियर है अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप एसिडिक मतलब बोलो कौन सा कार्बोक्सिलिक और अमीनो मतलब है एसिडिक ग्रुप जैसे एक कार्बन है बेटा एक कार्बन दो लोगों को अच्छे से पता है बेसिकिटी होती है 4 होता है ये हम अच्छे से जानते हैं। यहाँ भी पूरे बात करें एच है दूसरा पूरे बात का आपने क्या ले लिया आर या आपने यहाँ पे एच लगा दिया यहाँ पे क्या लगा दिया आर आर यहाँ पे क्या बोल वेरिएबल ग्रुप आर यहाँ पे क्या है वेरिएबल ग्रुप पूरे बात का ये वेरिएबल ग्रुप इसको तुम लगातार बदलते जाओ तो पूरे बात के 20 टाइप के मिश्रण निकाल सकते हैं। एक पूरे बात के इसके अंदर क्या होता है बेटा अमीनो एसिड ग्रुप होता है
सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको क्या बोलते हैं प्रमोट ओएच को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा, कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सीधे बोलो तो मुझे वैसे ही आराम से याद है, आयो पिछले नाम से दोनों अपने पूरे सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखा था इसको, याद है कुछ ओ एक एसिड पूरे बात कर। अब बेटा दूसरे इसमें क्या होता है, अमीनो ग्रुप एनएच2, आपको पता है बोलो इसको लोन पेयर होता है, लोन की वजह से वैसे ये क्या बताओ बेसिक, अरे जो अमीनो है कौन है बेटा बात कर, अमीनो पूरे बात कर, अमीनो ग्रुप क्या होता है लोन पेयर रखने की वजह से क्या होता है लुईस बेस होता है, अरे जानते कि नहीं जानते बेटा, ये क्या होता है लेविस बेस होता है, बहुत बड़ी पूरे बात कर, ये लेविस बेस है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दीदी, इसमें क्या होता है बेटा OH ग्रुप होता है, तो आपने कहा था पूरे बात करें जब जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा मींस पूरे बात करें ऐसे एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे बात करें मोर देन 3 हो, 3 या मोर देन 3 हो, उसमें चार एटम लिखे थे पूरी केमिस्ट्री में, फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, ऑक्सीजन दीदी बात में 3.5, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन 3.25, और बेटा नाइट्रोजन 3, तो और साथ में क्लोरीन भी दे सकते हैं पूरे बात करें। तो अगर बेटा बात करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एसिटिलीन वाला, एसिटिलीन की यूज क्या करिए करते हैं इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट फलों को पकाने में, याद है कुछ इथाइन बोलते जिसको आप C2H2 पूरे बात करें, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जुड़ाओ या फिर नाइट्रोजन जुड़ाओ पूरे बात करें, इस कंडीशन में इसको क्या मान लेते एसिडिक मान लेते बोलते, तो यहाँ से बेटा अगर सोचो बोलू एच हट जाएगा, और जो बेटा बात करें कंपाउंड एच प्लस देने की पावर रखता है, ऐसा क्यों होगा अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ से एच प्लस निकल जाएगा, और जब भी पूरे बात करें एच प्लस कोई कंपाउंड निकालता है उस कंपाउंड को मैंने क्या मानते हैं बेटा बात करें एज अ एसिड मानते हैं, क्या मानते बोलू ये एसिड है पूरे बात करें, तो आपको पता चले पूरी बात करें इसलिए इसको नाम दिया क्या अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का पूरे फॉर्मूला क्या होता है जब याद रखो बेटा बात करें NH2CHRCOOH एसिडिक ग्रुप प्लस पूरे बात करें ग्रुप, एसिडिक ग्रुप क्यों बोला क्योंकि पूरी बात करें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यदि बेटा बात करें यहाँ से एच प्लस की फॉर्म में निकल सकता है इसके एसिडिक ग्रुप है। अमीनो ग्रुप दीदी बात करें बेसिक ग्रुप क्यों बोला क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है मोर, दीदी बात करें ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड में आता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी रखता है, ये बेसिक ग्रुप है। अगर दीदी एक ही कंपाउंड बेटा बेस भी हो और एसिड भी हो इससे इसको दीदी अपन नाम देते हैं बेटा बात करें क्या एम्फोटेरिक कंपाउंड, क्या बोलते बेटा एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक जानते जो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेस से भी कर सकता है। अगर दीदी आप बोलो ये बेस से कैसे रिएक्शन करेगा ये वाला ग्रुप करेगा, बेस के साथ ये एसिड जो बात किया आराम से क्या करेगा कोई बेस आएगा उसके साथ दीदी बात कर उसका वो जाएगा स्केच जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा एस्टर बन जाएगा, बस समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। अब बोलो कि एसिड सिलेक्शन कैसे कर सकता है ये नहीं करेगा एसिड सिलेक्शन अमीनो ग्रुप करेगा, समझ पाए उस एसिड का एच प्लस लेके दीदी यहाँ पे अमोनियम आयन बना देगा, क्या बना देगा अमोनियम आयन, अगर कोई इनको नहीं मिला तो आपस में क्रिएट कर लेते हैं, क्या कर लेंगे ये बेटा बात कर एच प्लस देगा और बुरे बात क्या पता है एच प्लस अगर सोचो इसको निकाल दे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा निगेटिव, और बेटा बात कैसे जो एच प्लस निकलेगा वो दीदी कहाँ जाएगा आपको पता है कि अगर एच प्लस का इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो दीदी किसी ऐसे एटम के पास जाएगा जहाँ से दीदी इसको उम्मीद हो कि मुझे अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन देने की चाह दीदी कौन रखेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेक्सस हो, तो इलेक्ट्रॉन नेक्सस में किसके पास है बेटा इस पूरे एटम में नाइट्रोजन के पास, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, कार्बन का दीदी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, यहाँ पे कार्बन क्या है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड मतलब मेरा केवल ऑक्टेट पूरा हुआ है ना मेरे पास ज्यादा है मेरे पास कम, ऐसे कंपाउंड को मैंने क्या बोला था प्रिसाइज कंपाउंड, लेकिन दीदी नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट पूरा होने के बावजूद एक लोन पेयर है उसको मैंने क्या बोला लुईस बेस, दीदी बात कर समझ पा ये कंपाउंड, अगर सोचो पूरी बात करें यहाँ पर इसलिए अपन क्या बोलते हैं अमीनो जो एसिड होता है बेटा अमीनो एसिड कैसे कंपाउंड कोई भी एन एस हो कोई कॉम्बिनेशन ये कैसे होते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब क्या बेटा उभयधर्मी, क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक दोस्त कंपाउंड दीदी बात करें दैट कंपाउंड विच पूरी बात कर दिए समझ पा किससे पूरे बताओ टू बोथ एसिड और बेस, बे कंपाउंड दीदी बात करें जो एसिड और बेस दोनों कंपाउंड से रिएक्शन कर सकते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड बोलते हैं उभयधर्मी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उभयधर्मी, ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं दोस्त बोलूं बोलूं बात करें कि अगर यहाँ से एच प्लस चला गया बेटा इसने एच प्लस ले लिया तो कॉमन सेंस की बात है बेटा बात करें कि एक इस एच को अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी और पॉजिटिव किस पर आएगा नाइट्रोजन के ऊपर तो ये बन जाएगा क्या बेटा बात करें एन3 पॉजिटिव मतलब अमीनो ग्रुप, और ऐसा पूरे कंपाउंड देखो अगर यही कुछ कहानी होगी दोस्त तो कुछ आपकी कहानी ऐसी होगी, ये क्या किया आपने यहाँ पर आपने क्या किया सिंपली और बेटा बात करें हाइड्राइड हाइड्राइड की हाइड्रोनियम हाइड्रोजन आएगा, अगर एच के ऊपर नेगेटिव हो तो हाइड्राइड और एच के ऊपर प्लस हो तो वो हाइड्रोनियम है पूरे बात करें, अगर एच प्लस इधर आ गया तो आपको पता है कंपाउंड कैसा बनेगा दोस्त आपका कंपाउंड ऐसा बनेगा नाइट्रोजन थाई सर यहाँ पे एच प्लस आया सोचो इसने अगर अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया इसका प्लस तो खत्म पर बताओ कमी किसके पास आएगी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के प्लस आ जाएगा समझ पा इसके दो हाइड्रोजन तो थे ही ऐसे और ये आगे कार्बन से जुड़ा था लेकिन अभी भी बताओ इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचे दो चार छः और एक सात एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद तो दीदी अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया हो मेरा ऑक्टेट खत्म हो जाए तो मैं सामने वाले से क्या बोलूँगा देखो
हाइड्रोजन को क्या करना पड़ता है, डुप्लेट पूरा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बेटा आपको पता फर्स्ट पीरियड का उसके पास फर्स्ट सेल होता है, एक ही सेल होता है, उसमें एक ही सबसेल होता है S, और S की स्टेबिलिटी तब आती है जब उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब तुम बायो पढ़ रहे हो पर केमिस्ट्री से बात का पूरा का पूरा क्या करते बैलेंसिंग का पढ़ रहे हो, ऐसा एक्सिस होता है कि नहीं होता है। तो पूरी बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनने की बात, अगर बॉन्ड नहीं बनाओगे तो हाइड्रोजन लेके लेके घूम रहा है, और बेटा हाइड्रोजन की नाइट्रोजन की सेवन आएंगे, तो दोनों अगर बॉन्ड बनाने तो बताओ नाइट्रोजन कितने होंगे, 2, 4, 6, 8, और हाइड्रोजन के भी दो होंगे, दोनों एलिमेंट स्टेबल होंगे। तो ये बन गया बेटा बात करके NH3+। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, समझ जाओगे आप यहाँ पे क्या बन गया बेटा बात करें, NH3+ पूरे बात करें, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, नीचे बेटा बात किसका R वेरिएबल ग्रुप, और इधर क्या गया बेटा C डबल बॉन्ड O, पूरे बात करें डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। कुछ देखना दीदी आपने इस कंपाउंड में आपको क्या देखा, एक तरफ तो बेटा बात करें एक कंपाउंड में पॉजिटिव आ चुका है किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, और वहीं दूसरी दीदी बात करें एसिडिक वाले ग्रुप में बेटा कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। जब एक ही कंपाउंड में दीदी बात करें एक एटम के ऊपर बेटा बात करें नेगेटिव आ जाए और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव आ जाए तो ऐसे कंपाउंड को नाम देते जुपिटर आयन, क्या बोलते बेटा बात करें जुपिटर आयन। जुपिटर आयन दीदी बात करें तब आप नाम दोगे जब बेटा बात करें एक ही कंपाउंड में एक एटम के ऊपर नेगेटिव आ जाए और दूसरे ऊपर क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए। ऐसे अपने कंपाउंड में बहुत सारी चीज ऐसी लगभग ऐसी पड़ी थी, अगर कोई दो एटम रिएक्शन करें एक के ऊपर एक का ऑक्सीडेशन हो जाए दूसरे रिडक्शन रिडॉक्स बोल देते, अगर एक ही कंपाउंड दीदी बात करें एक ही एटम ऑक्सीडाइज हो रिलीज हो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल देते अपन, अरे पढ़ी कि नहीं पढ़ी मुझे बात करें। तो ये यदि अमीनोशन ऐसा है लेकिन बेटा इसमें एसिड और बेसिक ग्रुप होते हैं, अगर इनको कोई दूसरा नहीं मिला तो ये रिएक्शन करने में मानेंगे नहीं, एसिड होता ही बहुत H+ दिए और बेस होता ही बहुत बेटा बात करें लॉन्ड पेयर दिए, लॉन्ड पेयर का मतलब H+ को गेन करें, बात समझ पा रहे हैं? तो उसको बेटा अपन क्या बोलते हैं बात करें हम बन जाएगा हमारे पास क्या जुटर आए, जुटर आए समझ में आ रहे हैं? जुटर आए क्या होता है वो कंपाउंड जिसमें एक एटम के ऊपर क्या हो और दूसरे एटम के ऊपर क्या हो बेटा बात करें नेगेटिव हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं जुटर आए। तो जुटर आए बेटा बात करें आपको हमेशा अमीनो एसिड में देखने को मिलेगा। अच्छा आपने कहा कि जो 25 के अमीनो एसिड कैसे होते इस आर के आधार पर, आर को बेटा चेंज करते जाओ, आर चेंज करोगे दीदी बात करें आपका अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। जैसे पूरे बात करें आपने लिया आपने बोला सर ये हमारे पास अमीनो ग्रुप है ये सर H है दीदी बात करें ये आपका आर था वेरिएबल ग्रुप है ना और ये आपका सी डबल ओ एच है मतलब कार्बन से ग्रुप है। मैंने कहा दीदी आर की जगह पे बेटा आप एच ले लो। अच्छा एच ने सर तो बन गया NH2CH2C OH, ये क्या है ये ग्लाइसिन हो गया क्या है बताओ ग्लाइसिन। अच्छा ग्लाइसिन दीदी नाम इसके लिए पूरे बात करें ग्लूकोज की वजह से ग्लाइकोज की वजह से ये एक मात्र अमीनो एसिड मीठा होता है वो कौन सा है ग्लाइसिन कौन है बेटा ग्लाइसिन तो ग्लाइकोज की वजह से नाम दिया ग्लाइसिन क्योंकि टेस्ट में हल्का सा मीठा होता है और आपको पता है मीठा दीदी बात करें कौन होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा कार्बोहाइड्रेट में सारे कार्बोहाइड्रेट नहीं कह रहा पॉलीसेकेराइड कभी मीठे नहीं होते मीठा बेटा बात करें बोलूँ क्या होता है हमारे पास मोनोसेकेराइड और बेटा बात करें ओलिगोसेकेराइड बोल सकते हैं मतलब डाइसेकेराइड बोल सकते हैं क्योंकि ओलिगोसेकेराइड का ही पार्ट डाइसेकेराइड होता है तो बोलूँ बात करिए कंडीशन है ग्लाइसिन। अच्छा ग्लाइसिन अपने आप में दीदी क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये कहूँ बोलूँ बात करें कि अगर आप बेटा बात करें यहाँ पे क्या ले दो NH2 ले दो NH2CHRCOOH जैसे अगर आप आर जी बुढ़े बात करें CH3 ले लो ये बन गया बेटा बात का आपका वैलिन क्या बोला जल्दी बताओ मुझे समझ पा रहे कि एरेन नहीं है वैलिन नहीं है किसी को याद नहीं है इसका मतलब है ना बस मुझे इतना देखना था दीदी बात करेगी याद है कि नहीं। अब जरा देखो बेटा अगर अपन ये देखना चाहें बुढ़े बात करें हमारे पास कार्बन का COOH कार्बन का NH2 कार्बन का एच और कार्बन का CH3 ये कार्बन एक कार्बन जो है सिंगल एटम वो कितने ग्रुप से जुड़ा है चार और चारों के चारों दीदी क्या है डिफरेंट है ये अलग है बेटा इससे की नहीं और दीदी ये अलग है दोनों से की नहीं और ये अलग है तीनों से की नहीं। अगर कोई ऐसा कार्बन जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो तो उस कार्बन को दीदी अपन नाम देते क्रिल कार्बन क्या बोलते बेटा बात करें और भी केमिस्ट्री पर भर भर के पढ़ेंगे ये क्रिल कार्बन बात समझ पाओ। अच्छा क्रिल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दीदी बात करें क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है बेटा बात करें अगर किसी कंपाउंड के पास क्रिल कार्बन है तो वो कंपाउंड क्या होगा बेटा बात करें ऑप्टिकली दीदी बात करें एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाशक सक्रिय बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रकाश सक्रिय प्रकाशक सक्रिय दीदी बात करें वो कंपाउंड होते हैं जिनमें दीदी बात करें बताए क्या होता है लाइट के प्लेन को घुमाने की डायरेक्शन होती है। अगर दीदी बात करें किसको ये जो ऑप्टिकली कंपाउंड है अगर दीदी बात करें क्या करता है PPF PPF का मतलब क्या है प्लेन पोलराइज लाइट प्लेन पोलराइज क्या होता है बोले जिसमें हर एक आपको पता है लाइट के बुरे बात का पता रेस की या दीदी बात करें पार्टिकल की जो बुरे बात का डायरेक्शन होती है वो एक ही डायरेक्शन होती है। अगर दीदी बात करें ये पार्टिकल ये कंपाउंड ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक कंपाउंड जो होता है वो क्या करता है बेटा बात करें
जो इस डायरेक्शन में लाइट की बात करें हमारे पास क्या थी रेस की उनको तो उल्टा बात करें वो क्या करे तो वो कोई डायरेक्शन में घुमा दी कैसे घुमा दी पूरी बात करें तो घुमा दिए घुमा दिया कहाँ लेके चला गया इस साइड में जो लाइट ऐसी थी उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की दम रखता है इसको हो सकते राइट हैंडेड डायरेक्शन तो पूरे ऐसे कंपाउंड को हम बोलते डेक्स टू क्या बोलते बेटा बात करें डेक्स टू ये डेक्स टू कंपाउंड ऐसे को हम बोलते रीति बात करें पॉजिटिव कंपाउंड क्या बेटा बात करें डेक्स टू या पॉजिटिव और अगर कोई कंपाउंड की बात करें क्या करता है किसको इसी को मतलब किसको प्लेन पोलराइज लाइट को जो पता है इस डायरेक्शन में की बाय एक्सिस अगर बेटा इसको घुमाते को मतलब कहां ले आएगा दीदी बात करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाते कहां घुमाते एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एसी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इस कंपाउंड का नाम बेटा ये वीओ है क्या यदि बोलो तो अपने बात करें ये वीओ कंपाउंड वीओ मतलब क्या बोल सकते इसको आप नेगेटिव ये नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते ये देखो कंपाउंड तो अब ये मैं आपको पढ़ाऊंगा दीदी और के केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आईसी में सब पढ़ेंगे एक नंबर पढ़ेंगे तो लाभ चेक कैसा पढ़ेंगे बिल्कुल पर मुझे बात अभी कुछ मैं ये चाहता हूँ कि बातें आपको सुनते जाओ आपको कुछ ना कुछ याद है कुछ यहाँ याद रह जाएगा कुछ आपने दिया क्वेश्चन करेंगे वहाँ याद हो जाएगा फिर जब ऑप्टिकल आईसी में पढ़ेंगे तो आपको एकदम नया नहीं लगेगा फ्रेश नहीं लगेगा ऐसा नहीं किसके पहले मैं आपको नहीं दिखाया इसके पहले भी आपको कई बार दिखाया है तो मुझे बात कर आपको ये चीज़ें हल्की हल्की धुंधली धुंधली याद रहेंगी बार बार अपनी दीदी बात कराते रहेंगे तो एक टाइम वाला पूरा याद हो जाएगा मैंने कहा दीदी अम्यूनो एसिड जो होते हैं जितने भी 20 अम्यूनो एसिड की अपन बात करें उसमें से 19 अम्यूनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्यों दीदी क्योंकि आर यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप होता है एकमात्र अम्यूनो एसिड की बात की नाम ग्लाइसिन है उसमें क्या बेटा होता है ट्रिपल कार्बन है कि नहीं है ट्रिपल कार्बन क्या बेटा इसके अंदर एब्सेंट है क्योंकि इसमें दो ग्रुप क्या बेटे सेम आ गए इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं ट्रिपल कार्बन है कि नहीं नो ट्रिपल कार्बन इसके अंदर ट्रिपल कार्बन नहीं है ट्रिपल कार्बन किसको बोलते दीदी बात करें अनसिमेट्रिकल कार्बन अनसिमेट्रिकल कार्बन का मतलब इसको व्यवहार करें ऐसा कंपाउंड जिसको दो के पार्ट में आप नहीं काट पाओ आप बोलो किस तरह काटते ना यहाँ से अगर काटोगे तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा लेकिन ऊपर है जो नीचे बचेंगे मुझे सेम कंपाउंड तो ये टूटे बात सिमेट्रिकल कंपाउंड हो गया कैसा हो गया सिमेट्रिकल मुझे चाहिए अनसिमेट्रिकल अच्छा बोलो कि सर इसको काटते हैं काटो जब इसको काटोगे तो बेटा ऊपर प्लेन के ऊपर क्या रहेगा एच और प्लेन के नीचे क्या रहेगा अगर नहीं आप बोलो सर मैं ऐसे काटूंगा ऐसे काटो तो बेटा ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा लेकिन प्लेन के इधर क्या रहेगा अमीनो ग्रुप उधर क्या रहेगा सीधे बोलेंगे आप इसको किसी भी प्लेन से दूर कर पार्ट में नहीं कर सकते और बेटा अगर जो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होता है ना वो कैसा होता है ऑप्टिकली एक्टिव तो ऑप्टिकली एक्टिव का याद ही रखना है ट्रिपल कार्बन मतलब क्या बेटा बात करें अनसिमेट्रिकल कंपाउंड असममित अनसिमेट्रिकल क्या होता है बढ़िया पहले सिमेट्री बायो तक में पढ़ी आपने रेडियल सिमेट्री बेटा बात करें बायलेटरल सिमेट्री और बेटा एसिमेट्रिकल तो जो कंपाउंड ग्रुप कैसे होते हैं असममित अनसिमेट्रिकल पूरे बात करें अनसिमेट्रिकल असममित कंपाउंड वो ग्रुप कैसे होते बेटा बात करें ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और जो कंपाउंड नीचे देखिए बात की ट्रिपल कार्बन क्या होता है एब्सेंट होता है पूरे बात करें वो क्या होते हैं सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल गुरु बात करें पता अमीरी चढ़े बेटा कैसा है सिमेट्रिकल एनिमेशन इसी तो गुरु बात करें कैसा हुई ऑप्टिकली कनेक्टेड कैसा बेटा बात मेरी बोलो ऑप्टिकली कनेक्टेड इसी पॉइंट पे पूरा क्वेश्चन बना था कौन सा अमीरेशन बेटा बात करें ऑप्टिकली कनेक्टेड होता है मतलब प्रकाश से पूरे बात करें क्या निष्क्रिय होता है एकमात्र ग्लाइसिन कैसा है ये ऑप्टिकली एक्टिव कनेक्टेड ऑप्टिकली यदि बोलो बेटा कैसा है इनएक्टिव मतलब प्रकाशिक निष्क्रिय क्या बोलेंगे बेटा बात करें प्रकाशिक निष्क्रिय प्रकाशिक निष्क्रिय और वो क्या चीज बताओ हमारे पास जल्दी बोलो ना ऑप्टिकल एक्टिव मतलब प्रकाशिक सक्रिय क्या बोलोगे इसको प्रकाशिक दीदी बात करें सक्रिय ये प्रकाशिक सक्रिय बेटा बात करें अमीरेश दीदी बात का पढ़ाने के लिए बहुत सारे पढ़ाने पर दीदी बात करें आराम से याद कर सकते हो जैसे इसी की बात करें एस पार्टिकल से दूर का कुछ भी दीदी बात करें एस पार्टिकल का फॉर्मूला है दूर वो आपको बनाना वही है सर NH2 बिल्कुल NH2 बना दो CH बिल्कुल CH बना दो COOH बिल्कुल बनेगा पर पूरे बात करें यहाँ पे क्या आगे बेटा बात करें एक और CH2 COOH आ जाता है CH2 COOH मतलब पूरी बात करें नहीं आगे ये है बेटा बात बोलो आपका क्या एस्पार्टिक एसिड क्या है बेटा बात करें ग्लूटामिक एसिड सी बोलो बात करें बस यहाँ पे बोलो बात करें इसकी जगह इतने ग्रुप को छोड़ के यहाँ पर CH2 COOH लगा दो ये बन गया यहीं पर इसको हटा दिए या पर आप चाहो कि एक और इसके बीच CH2 लगा दो CH2 COOH ये बन गया ग्लूटामिक एसिड क्या बन गया बेटा बात करें तो ये यदि बात करें ग्लूटामिक एसिड है जी ए और ये बेटा बात करें क्या बोलो ए एस्पार्टिक एसिड ए एस्पार्टिक एसिड बताओ पूरे बात के चार ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं है बिल्कुल है एक ग्रुप NH2 दूसरा है तीसरा COOH चौथा है CH2 COOH चार ग्रुप डिफरेंट है ऑप्टिकली एक्टिव है लाइट को या तो घुमाएगा क्लॉकवाइज या घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज या तो कंपाउंड ये डेक्स्ट होगा या बेटा लीवो होगा पर ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होगा
ऑप्टिकली एक्टिव किसको बोलते हैं आप, वो कंपाउंड जो पूरे बात करें प्लेन पोलराइज को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की दम रखता है उसको बीटा बात करें क्या बोलते हैं, प्रकाशित शक्ति। मतलब हमारे पास जो 20 बीटा बात करें एसेंशियल 20 हमने जो मिनिस्टर पढ़े उनमें जो 10 एसेंशियल पढ़े वो 10 नॉन एसेंशियल है। अगर मैं टोटल 20 बीटा मिनिस्टर की बात करूँगा तो इनसे हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव केवल एक जिसका नाम क्या है ग्लाइसिन। अच्छा ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके पास क्रिल कार्बन नहीं है, बात समझ पा रहे, मतलब एक कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप नहीं जुड़े हैं। एच वाले जाके बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका दीदी आपकी नीट में, नीट में भर भर क्वेश्चन बेटा आपके इसके ऊपर आता है हर साल। और बाकी जो बात करके रिमेनिंग 19 अमीनो एसिड है वो कैसे होते हैं हमारे पास, वो होते बेटा ऑप्टिकली एक्टिव, क्यों, क्योंकि वो बात उसमें जो हमारे पास कंपाउंड का कार्बन होता है वो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है, उसको मतलब वो कंपाउंड कैसा होता है अनसिमेट्रिक, और वो कार्बन कैसा होता है क्रिल कार्बन। तो क्रिल की सब समझ में आ गई, क्रिल कार्बन आप किसको बोलोगे, वो कार्बन जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो। तो जब बेटा आपने क्रिल लिखा तो आपको यहाँ लिख लेना है ना बेटा, बात करें क्रिल कार्बन किसको बोलते हो, जो कार्बन डार्क चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़े बात जुड़ा होता है, ठीक है दीदी वो हमारे पास हो गया। अच्छा ब्यूटाइल आपको समझ में आया क्या, ब्यूटाइल किसको बोलते बेटा, वो कंपाउंड जिसमें एक एटम पर पॉजिटिव हो और दूसरे एटम पर क्या हो नेगेटिव चार्ज हो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल बोलते हैं। बात कर समझ पा रहे। अच्छा दीदी एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं, एम्फोटेरिक वो कंपाउंड जिसमें बेटा एक बेसिक ग्रुप हो और एक एसिडिक ग्रुप हो, बात समझ पा रहे, अगर बेसिक ग्रुप हो और एसिडिक ग्रुप हो तो उसको क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक। अच्छा एम्फोटेरिक कंपाउंड के क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो एसिड से भी रिएक्शन करे और बेसिक से भी रिएक्शन करे, अपन चार टाइप के कंपाउंड पढ़ाए थे बेटा आपको, एसिडिक जो केवल बेसिक रिएक्शन करे, बेसिक जो केवल एसिड रिएक्शन करे, एम्फोटेरिक जो दोनों से रिएक्शन करे, न्यूट्रल जो किसी से रिएक्शन करे ना वो एसिड से रिएक्शन करे ना। तो न्यूट्रल के एग्जांपल याद है अपन को, CO NO और बिल्कुल चलो आगे बढ़ो, नहीं H2O को एम्फोटेरिक मानते हैं, H2O को न्यूट्रल नहीं मानते, बोलो बात कर क्या मानते उसको बेटा, एम्फोटेरिक मानते क्योंकि एसिड से रिएक्शन कर जाता है और बेसिक से रिएक्शन कर जाता है। चलो करो नोट करो फटाफट, देखो ये जो अपनी पूरी बात कर 10 हमारे पास अमीनो एसिड देखिए एसेंशियल, इनमें भी अगर अपन दीदी ये बोलना चाहें कि आर्जिनिन और हिस्टिडिन ये दो पूरे बात क्या पता है आधे तो हमारे बॉडी में पूरे बात कर बन जाते हैं, अगर अपन बोले आधे बन जाते का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ मात्रा में बन जाते हैं, जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में बने वो हमारे लिए नॉन एसेंशियल होते हैं, उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं आएगी, लेकिन जो हमारी बॉडी में ना बने उनको अपन क्या बोलते हैं एसेंशियल। दीदी बात करें अगर आर्जिनिन हिस्टिडिन की बात करें तो पूरे बात की थोड़ी बहुत हमारी बॉडी में बन जाते हैं, तो फिर अगर अपन देखना चाहें तो अपन वैसे अगर बोले कि भाई थोड़ी बहुत बन जाए उससे काम चल जाए तो अपन क्या बोलेंगे कि बात का 10 एसेंशियल है कि 10 की 8 एसेंशियल, क्योंकि कुछ हमारी बॉडी में बन रहा है तो हमें इनकी भी जरूरत पूरे बात का फूड फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया, एसेंशियल किन को बोलते हैं जो बॉडी में नहीं बनता, पर मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत मात्रा में बॉडी में बन जाते हैं, इसका मतलब सब ठीक है बाहर से मत लो इसको, जब बॉडी में बनी जाते पर बनती पूरे किसमें थोड़ी बहुत मात्रा में, जितना हमें चाहिए उतना तो नहीं बनते, इसलिए पूरे बात का फूड के फॉर्म में मतलब डाइट से दीदी बात क्या बताए ऑप्टेन करते हैं, मतलब डाइट से लेते हैं, तो अपने इसेंशियल माना है, लेकिन अगर कभी भी 10 नहीं आया तो अपन कैसे लगाएंगे फिर 8, क्योंकि उसको अपनी सेमी इसेंशियल मानते हैं, इसका मतलब है सिर्फ कितने अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बनते बुरे बात कर वो है 8, और कितने जो प्योर तरीके से बनते हैं, कितने बनते हैं 10-10 का कंसेप्ट याद है क्या दीदी बात कर पक्का, ठीक है इसको याद रखो अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है नहीं तो कोई दिक्कत हो रहा है इसको छोड़ो, फिर लास्ट में बता देंगे दो मिनट के बारे में। अच्छा तुमने दो पूरे बात कर जिन्हें आप ये देख पाए ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक कौन सा ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक कौन ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक कितने हैं, 20 अमीनो एसिड प्रकाशित सक्रिय कितने हैं 19, जो कि किसको बोलते हैं आप ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक जिनके अंदर बेटा बात कर चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, मतलब जो आर ग्रुप होगा ना बेटा बात के जो अपने पढ़ता आर वेरिएबल ग्रुप ये दीदी बात कर एच नहीं आएगा, कहीं मेथल आ गया तो अपने क्या नाम दिया इसको एलिनिन, और कहीं बेटा बात कर इसकी जगह को बात कर अपन इसको लगा दें सी दीदी बात कर एच सी एच थ्री और बेटा सी एच, मतलब ये बन गया दीदी बात कर वेलिन, क्या बन गया इसी जगह दीदी अपने क्या लगाया था सी एच टू सी डबल ओ एच, क्या बना था ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टिक एसिड, और इसकी जगह अपने क्या लगाया था CH2CH2CO2 तो क्या बना था ग्लूटामिक एसिड। आप देखे जा रहे बेटा ये ग्रुप चेंज होते जाएंगे बेटा बात कर आर ग्रुप चेंज करते जाओ, अगर आर ग्रुप बेटा बात कर पता है एच नहीं है तो पूरे बात कर हमारे पास नया ग्रुप ही आएगा, और जब नया ग्रुप आएगा बेटा बात कर तो हमारे पास ये कंपाउंड कैसा बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि आपको चार डिफरेंट ग्रुप मिल जाएंगे, लेकिन अगर आर ग्रुप हमने एच दिया तो बनेगा बेटा बात कर वो ग्लाइसिन,
अच्छा दूसरी कंडीशन, जब दो बेटा बात करें अमीनोसिड को अगर जोड़ते हैं बुरे बात करें तो इनके अंदर एक बॉन्ड मिलता है। इस बॉन्ड का नाम दीदी बात करें अमाइड बॉन्ड, ऐसे को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं बुरे बात करें? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनोसिड के दीदी बात जब जोड़ते हैं तो बनता है बेटा प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर कौन सा दीदी बात करें बॉन्ड मिलेगा आपको? एमाइड। जब बेटा बात करें क्या बोलेंगे उसको? पेप्टाइड। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड। बुरे बात ये बोलेंगे। अच्छा दीदी बात की ये दो आपने जो दस सेंसर अमीनोसिड पढ़े वो तो ठीक है, पर बुरे बात करें दो हमारे पास वो एसिड भी होते हैं अमीनो एसिड जिनके अंदर सल्फर पाई जाती है। वो अपन पढ़ चुके थे बेटा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, पढ़े कि नहीं पढ़े आपने? कहाँ पढ़े थे ये बताओ? प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ाए थे मैंने आपको। उन्हें बात करें कौन कौन सिस्टीन और मिथियोलॉजी पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? कौन सा बेटा बात करें? सिस्टीन एंड बुरे बात करें मिथियोलॉजी। अच्छा मिथिलियम मिथुलिन तो बुरे बात करना भी देखा था एसेंशियल था, पर सिस्टीन कैसा था? नॉन एसेंशियल। तो एक नॉन एसेंशियल एक बेटा एसेंशियल सिस्टीन और मिथियोलिन दो ऐसे अमीनोसिड थे पूरे जिनके अंदर क्या होता है? सल्फर। तो सल्फर कंटेनिंग पूरे बात कर अमीनोसिड। कुछ याद आया जब हम प्याज काटते हैं आपको आंखों में जलन होती है, लहसुन जब अपने बेटे छीलते हैं आंखों में जलन होती है, या सरसों का जो तेल लगाते हैं प्योर वाला तो आपने बेटे देखा होगा आंखों में जलन होती है, कई बार तो आंसू भी आ जाते हैं। उसके लिए जलन के लिए जिम्मेदार कौन है बेटे बात करें? सल्फर। सल्फर पूरे बात करें जहाँ भी होगा सल्फर पूरे बात करें क्या होता है? पूरे बात करें हमारे पास मिर्ची जैसे पूरे बात करें हमारे पास तीखापन होता है समझ पर, जो बुरे बात करें उनको एलर्जी क्रिएट करता है इसकी वजह से जलन होती है। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनोसिड दो है, एक तो सिस्टीन एक मिथियोन, इन दोनों का ही नोट कर लो स्पेशल पॉइंट। अच्छा एक अमीनोसिड और होता है बुरे, खैर चाह तो अपन दिखाना तो नहीं चाह रहे, बस देखी लो टायरोसिन। कौन सा होता है बेटे बात करें? टायरोसिन। ये नॉन एसेंशियल है। टायरोसिन अमीनोसिड का यूज कैसे करते हैं बुरे? टायरोसिन अमीनोसिड का यूज कहाँ करते हैं पता है? क्या बनाने के लिए? थायरोक्सिन। दीदी बात करें क्या बनाने की? थायरोक्सिन एंजाइम है कि हार्मोन है? एड्रिनल है। नॉरेड्रिनल क्या है? एंजाइम के हार्मोन हार्मोन है। तो थायरोक्सिन हार्मोन है बेटा बात करें। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? याद है थायरॉइड ग्लैंड से निकलेगा। थायरोक्सिन किसको बोला था आपने? T3 की T4 पूरे बात करें क्या काम करता है? ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है BMR को। बहुत सारे काम जो अपने पढ़े थे किसके? थायरॉइड ग्लैंड के। थायरोक्सिन जिसको अपन मेनली बोलते हैं T4। दूसरा बेटा बात करें एड्रिनल नॉरेड्रिनल क्या बोलते हैं इसको? एड्रिनल को अपन एपिनेफ्रिन नॉरेड्रिनल जल्दी बोलो नॉरेड्रिनल मतलब क्या बताओ बेटा बात करें? एपिनेफ्रिन नॉरेपिनेफ्रिन क्या थी? इमरजेंसी हार्मोन कहां से निकला थे? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से कि मेडुला से निकला थी दीदी बात कर मेडुला से। तो बुरे बात कर मतलब टायरोसिन बुरे बात कर अमीनोसिड के यूज इनको बनाने के लिए करते हैं। वैसे भी हमने पढ़ा था दीदी बात कर ऑल एंजाइम्स आर बुरे बात कर प्रोटीन, ऑल हार्मोन्स आर दीदी बात कर प्रोटीन, ऐसा तो नहीं कहा था अपन? इसका तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम। देखिए दीदी ऐसा भी कहा था कि बहुत कुछ भी बात कर हार्मोन भी होते बेटा किसके बने होते? प्रोटीन के बने होते। वो दीदी बात कर रही प्रोटीन की बात कर रहे थायरोसिन अमीनोसिड पूरे बात करें किसको बनाता है? थायरोक्सिन पूरे बात करें एड्रिनल नॉर एड्रिनल किसको? हार्मोन को। ये हार्मोन की एंजाइम है एंजाइम के पीछे ये जाता है ये थोड़ी है जैसे पूरे बात करना पड़ा था पेप्सिन ट्रिप्सिन अमाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये सब दीदी बात करें क्या थे? एंजाइम ये हार्मोन है बेटा। तो हार्मोन को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? थायरोसिन अमीनो एसिड का यूज करते हैं। नोट हो गया होगा। अच्छी दीदी बात करें तो फिर दीदी अपन क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरी में। 20 अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड इन 3 क्लासेस मतलब बेसिस ऑफ बेटा बात का नंबर ऑफ NH और बेटा बात का CWH ग्रुप NH2 ग्रुप का नंबर और पूरे CWH ग्रुप का नंबर अगर बराबर है किसी अमीनो एसिड में तो अपन उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। ये किसके आधार पर कर रहे हैं बेटा बात करें? ऑन द बेसिस ऑफ आप चाहो तो फिर से लिखो बेटा बात करें इसको बेटा दीजिए पूछ लो
जो तीन प्रकार के होते हैं, वो किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ NH2 दीदी बात, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप। COOH को अपन क्या बोलते हैं, पूरे बात के एसिड ग्रुप। अगर एसिड ग्रुप का नंबर ज्यादा है, किससे बेटा बात करें, NH2 ग्रुप। NH2 मतलब बेस क्षार, और एसिड मतलब कम। अगर पूरे बात के सोचो, आप खुद बताओ, तीन टाइप के हैं। पहला कौन सा बेटा बात हमारे पास, फर्स्ट आपने कहा पूरे बात के हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड पूरे बात करें। एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें, वो होते हैं जिनके अंदर COOH ग्रुप का नंबर, नंबर ऑफ COOH ग्रुप इज या आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ, जल्दी बोलो, NH2 ग्रुप। अगर NH2 ग्रुप से पूरे बात करें ज्यादा नंबर है, जिसको हम क्या नाम देंगे बेटा बात करें, क्या बोलेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड। कैसे पूरे बात करें, जैसे मैंने कहा बेटू बात करें, अगर एक एसिड ग्रुप है, और अगर बेटू बात करें हमारे पास क्या है, एक बेस ग्रुप है NH2 ग्रुप, क्योंकि न्यूट्रल हो गया, जितना एसिड उतना बेस, बस समझ में आ रहा है। लेकिन अगर बेटा COOH माने कि दो होते बोल इसके अंदर, तो एक बेस एक एसिड को कैंसिल कर देता, न्यूट्रल कर देता, लेकिन बेटा एक एसिड को इसमें रहता नहीं रहता, बोल बस समझ में आ रहा है। जैसे आपने दीदी अभी देखा था एस्पार्टिक एसिड, क्या देखा था, एस्पार्टिक एसिड एक तो था, इसके एग्जाम्पल क्या थे, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड कैसा था, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। और दूसरा क्या था पता था, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये कैसे दीदी बात करनी शुरू की, एसेंशियल और पूरे बात करके नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एसिडिक की बेसिक एसिडिक। एसिडिक क्यों बोला, क्योंकि इनके अंदर COOH का जो नंबर होता है वो NH2 से ज्यादा होता है, आपने बनाया दीदी बात करें यहाँ पे। अच्छा दूसरा पूरे बात के जो एसिडिक कहलाते हैं ना, उन्हीं को अपन नाम देते हैं बेटा बात कर नेगेटिवली चार्ज, क्या बोलते हैं इनको, बुढ़िया नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। ऐसा क्यों पूरे बात को सोचो, अगर आपने अभी बनाया था जैसे एस्पार्टिक एसिड दिया था, अगर आपको ग्लूटामिक एसिड दिखा दो, जैसे आपने लिया NH2 पूरे बात कर सी, इसके ऊपर बेटा बात कर एच था, नीचे पूरे बात कर CH2 और पूरे बात कर क्या लगा है COOH और बेटा बात कर COOH। बताओ दो दो पूरे बात कर हमारे पास एसिड ग्रुप है कि नहीं, एक एसिड दो एसिड एक अमीनो ग्रुप, बेसिक तो दीदी एक ही था ग्रुप, और बेटा एसिड कितने थे दो ग्रुप। तो अगर एक एसिडिक प्रॉपर्टी एक बेसिक पूरे बात कर प्रॉपर्टी से कैंसिल हो गया था, तो एक एसिड नहीं रहेगा, इसको अपन बोलते बेटा एसिडिक कंबिनेशन। अब पूरे बात करें एसिड क्या होते हैं बेटा बात करें, एसिड वो होते जो H+ देते हैं, अगर ये कभी कभी H+ डोनेट कर दे, और बेस क्या होता है जो H+ लेता है, बस समझ पा रहे, अगर इसमें कुछ दिन कहीं से H+ मिल जाए, बस समझ पा रहे, तो दोस्त कंडीशन कुछ बोलो ऐसी होगी, क्या होगी बेटा बात कर, जरा देखना, ये बन जाएगा क्या बेटा बात करें NH3 टू थे, एक H+ ले चुका, तो बेटा बात क्या इसका बॉन्ड पेयर खत्म हो चुका होगा। अगर एच कोई इसके पास प्लस आएगा या अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो प्लस किसके ऊपर आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, और जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिला दीदी एच को, इसको नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल, फिर ये आपस में क्या करेंगे बॉन्ड बना देंगे ऑक्सीजन पूरा करने के लिए। तो दीदी बात करें नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया NH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH, पूरे बात इधर क्या क्या बेटा बात करें CH2 पूरे बात करें एसिड वो होता है जो H+ दे देता है, अगर इसमें H+ दे दिया तो क्या बचेगा यहाँ पे सिंगल नेगेटिव, पूरा कंपाउंड खोलना आपको अच्छे से पता है कैसे खुलता है, C(OO)- खुलता है कि नहीं खुलता है, कैसे खुलेगा C(O), और जो यहाँ पे बेटा OH था H तो चला गया यहाँ से, बोली बात को तो यहाँ क्या बचेगा बेटा बात जल्दी बोलो O-, क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, H+ के फॉर्म में निकाल दिया, H+ के फॉर्म में निकाल दिया, और दूसरा बेटा बात यहाँ पे ये C(O), सिंगल बॉन्ड O-, कितना नेगेटिव पूरे बात करो यहाँ पे चार्ज 2-, क्योंकि दो एसिड दो H+ देंगे, और बेटा बात करें कितना अमीनो ग्रुप था एक कितना प्लस लिया, अगर ओवरऑल इसके दो को तो कंडीशन क्या आएगी, एक प्लस एक माइनस को न्यूट्रल कर देगा, लेकिन फिर एक नेगेटिव बचेगा नहीं बचेगा, तो जो एसिडिक अमीनो होते बेटा बात करें वो कैसे होते, चार्ज के हिसाब से पूरे बात करें नेगेटिवली चार्ज होते, क्या होते बेटा बात करें नेगेटिवली पूरे बात करें क्या होते चार्ज होते, समझ में आ रहा है, इसलिए जो एसिडिक अमीनो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज भी कंसिडर किए जाते हैं, एग्जाम्पल की फॉर्म में याद कर सकते हैं। दूसरा यदि आपने कहा कि मुझे चाहिए पूरे बात करके बेसिक, ठीक है,
तो ये बेसिक है बेटा बात करें, सेकंड टाइप की बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड की बात करें हमारे पास क्या होते हैं, अगर अपन देखना चाहें बेसिक अमीनो एसिड बोलो या दिखे और करें इसको अपन बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज। क्या बोल सकते हैं जल्दी बोलो, पॉजिटिवली बुरे बात करें चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बुरे बात करें अमीनो एसिड। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ जो बेटा बात कर गया है NH2 ग्रुप वो क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ बेटा बात के बेसिक ग्रुप बुरे बात करें आर मोर देन बुरे बात कर गया नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप, मतलब सी डबल ओ थ्री सी डबल ओ थ्री का नंबर ज्यादा है, इसका मतलब बेसिक प्रॉपर्टी की बात करके आ रही ज्यादा रही। एग्जाम्पल के फॉर्म में बोलो मैंने पढ़े थे भी बेटा बात करती है पढ़ते सब लास्ट में बोलता हिस्ट्री, उसके पहले क्या था दीदी बात करें ट्रिप्टोफैन, उसके पहले क्या था दीदी बात करें आर्जिनिन, उसके पहले क्या था फेनिलएलनिन, उसके पहले क्या था लाइसिन, तो लाइसिन पूरे बात को समझ पा रहे आर्जिनिन और बेटा बात करके हिस्टिडीन तीन हमने पढ़े थे कुछ भी नहीं है बुरे बात कर। यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसे पढ़ू बात कर जैसे हम लिया बेटा बात कर मतलब जो NH2 बुरे बात करें यहाँ पर उनका नंबर एसिड से क्या रहेगा ज्यादा रहेगा। अगर कोई भी ग्रुप लेते हाइपोथेटिकली कोई ग्रुप ले लिया लाइसिन लाइसिन स्टेबल बुरे बात करें NH2 तो है सर यहाँ पे क्या था H और ये था बुरे बात कर R और ये क्या था C डबल ओ एच, पर आपको बुरे बात कर R वाला कोई जो ग्रुप लेना है वेरिएबल ग्रुप वो ऐसा लेना है बुरे बात माना वो CH2 और अगर NH2 आ गया इतना समझ में आ रहा है दोस्तों ये ग्रुप हो या दीदी कोई साइक्लिक फॉर्म ही क्यों ना हो जैसे स्टेट में साइक्लिक फॉर्म बनता है NH NH का वो दीदी बात है, पर मैं आपको हाइपोथेटिकल कोई तो क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे पूरे दो हमारे पास NH2 ग्रुप आ गए अब अपन को पता है NH2 का काम क्या होता है NH2 ग्रुप सर वो होते जो H+ लेता है, अगर इसने बेटा H+ लिया तो पूरे बताओ ये क्या बन जाएगा NH3 और प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ऐसी पूरे अगर इसने नहीं क्योंकि इस पास लॉन पे है अगर एच प्लस के पास आया ये अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा प्लस टू पर आ जाएगा दोनों बॉन्ड बना ले फिर से क्या बन गया एन एच थ्री प्लस बन गया अरे बना कि नहीं बना दोस्तों तो पूरे बात के इसको मैंने फिर क्या लिख दिया एन एच थ्री प्लस और पूरे एसिड को होता जो एच प्लस देता है अगर इसने अपने एच प्लस हटा दिया तो इसको फिर क्या निगेटिव उठा के देख लो बेटा बात कर एसिड की अगर रिस्पेक्ट में देखो तो बोलो एक एसिड था दो बेटा बात के बेसिक ग्रुप थे इसका मतलब क्या था अगर एक एसिड एक बेस से कैंसिल हुआ तो एक ग्रुप बेसिक बचेगा नहीं बचेगा इसलिए इसको अपने नाम क्या दिया पूरे बात का बताओ हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड क्योंकि एक एसिड एक प्रॉपर्टी एक बेस से न्यूट्रल होगी अगर एक एसिड एक बेस आपके पास तो ना आपको एसिड कहा जाएगा ना आपको बेसिक नाम लगभग न्यूट्रल कहा जाएगा समझ में नहीं आ रहा लेकिन यदि ऐसा नहीं कि वो न्यूट्रल है मैं किसके आधार पे कह रहा हूँ एसिड और बेस अगर सिमिलर अमाउंट है तो उसको बोलो बात कर लगभग क्या मानते बेटा बात करें ना एसिड कंसिडर करते ना बेस उसको अपने इंपोर्टेंट बोल देते क्या बोल देते लेकिन अगर दीदी मैं ये कहूँ बेटा बात करें एसिड का नंबर ज्यादा तो फिर उसको एसिडिक में कंसिडर किया जाएगा और अगर एन एच टू का नंबर ज्यादा तो उसको अपन बेसिक में मानेंगे समझ पा रहे हैं तो ये बुरे बात हमारे पास किस में आ जाएगा जल्दी बोलो बेटा बात करें ये ज्यादा है कि नहीं बेटा बात करें तो अगर अपन देखें तो क्या बोले इसको अपन बेसिक कॉम्बिनेशन और अगर पॉजिटिव देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो कैंसिल होगा फिर भी एक पॉजिटिव बचा कि नहीं बचा क्योंकि प्लस टू है तो माइनस वन है तो अपन इसको क्या बोला पॉजिटिवली चार्ज क्या बोले जल्दी बोलो पॉजिटिवली चार्ज जो अमीनो एसिड दीदी बात करिए कंडीशन। अच्छा तीसरे टाइप की क्या होती है बुरे बात हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड जो थर्ड टाइप की आपकी होती है वो क्या होती है न्यूट्रल अमीनो एसिड बुरे बात कर इसका मतलब इनके पास क्या होगा बिल्कुल बात कर नंबर ऑफ जल्दी बोलो जी बिल्कुल क्या नंबर ऑफ एसिड ग्रुप सी डबल ओ एच ग्रुप समझ पा रहे इसको नंबर ऑफ एन एच टू ग्रुप अरे आ जाएगा बेटा क्या बुरे बात कर हमारे पास एसिड ग्रुप मतलब बेटा बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और बेटा एन एच टू ग्रुप बराबर है कैसे हैं बताओ यहाँ पे बराबर तो फिर इसको मैं क्या बोलेंगे बुरे बात को न्यूट्रल अमीनो एसिड बनेंगे ना एसिडिक ना बेसिक आप बोलो एग्जाम्पल बताओ अच्छा एग्जाम्पल दीदी बात भरी पड़े इनको छोड़ दो आपने कहा ग्लाइसिन दीदी पढ़ा नहीं पढ़ा तुमने उसमें पता है क्या होगा ग्लाइसिन आपने देखा ही था सर एक एन एच टू होता है एक बुरे बात करें हमारा क्या होता है एच एच होता है और एक सी डब्ल्यू एच ग्रुप होता है अरे होता है क्या होता है बुरे बात करें अपन यह बोलो बुरे बात करें सी डब्ल्यू एच ग्रुप का नंबर एन एच टू के बराबर है हाँ बराबर है बिल्कुल अगर दीदी इसने एच प्लस लिया और इसने एच प्लस लिया तो बताओ क्या आएगा वही कहानी आएगी दीदी बात न्यूट्रल वाली
अरे आई टी की नहीं आएगी, एन एच थ्री प्लस बुरे बताओ सी एच टू, एक साथ लिखो एच एच सी एच टू और सी डबल ओ निगेटिव, स्केच चला गया दीदी इसके पास, या जब स्केच किसी और के पास गया और इसको दीदी कहीं और से एच प्लस मिला, तभी तो आपने देखा बेटा प्लस का नंबर किसके बराबर, निगेटिव नंबर, मतलब बुरे बात करना तो ये नेगेटिव चार्ज है ना ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, पता है ये बेटा एसिडिक है और ना ये क्या बेसिक है, क्योंकि एसिड बेसिक का नंबर बराबर, तो ना इसको मैंने बुरे बात कर रहे नेगेटिव चार्ज लिखा ना पॉजिटिव चार्ज लिखा, बुरे बात मैंने इसको क्या लिखा, बेटा बात के हमारे पास होता है बुरे बात का न्यूट्रल लिखा है, क्या लिखा है ये बात समझ में आ रहा है, जो बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब क्या वहाँ पे एनएच ग्रुप ज्यादा है मतलब वो बेसिक है, और जो नेगेटिव चार्ज इसका मतलब बुरे बात के वहाँ से ग्रुप ज्यादा है वो, अच्छा इसके सोचेंगे मैंने कहा नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज कौन बना सकता है, NH2 तो इलेक्ट्रॉन लेता है तो प्लस ही जाएगा NH3 के फॉर्म में, एक H+ ले करके एसिडी करता है इस प्रकार तो ऑक्सीजन को नेगेटिव आता है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एक से ज्यादा बुरे बात कर पता है क्या होगा उसके पास CWH होगा, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक से ज्यादा बेटा बात उसके पास क्या है, बात समझ में नहीं आ रही, तो ये दीदी बात हमारे पास कंडीशन है, चाहे ग्लाइसिन बोलो चाहे दीदी बात करें एलिनिन बोलो, एलिनिन में क्या करते देखो CH3 लगा दो, CH3 लगने से क्या हो जाएगा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, लेकिन NH2 CWH थोड़ी चेंज होगी, आपने कहा बैटरी होगी ना तो बैरिन ले लो, बैरिन में क्या गया CH3 का होल बाई सी एच है ये वही ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इस तरीके से अमीनो एसिड ग्रुप के बाद के फिर से NH2 और CWH ग्रुप के नंबर के आधार पे एसिडिक बेसिक न्यूट्रल या नेगेटिव भी पॉजिटिव चार्ज होने के बाद के न्यूट्रल नंबर कंसीडर करेंगे, बस समझ में आ रही है, तो चाहे वो नेगेटिव पूछे चाहे पॉजिटिव पूछे चाहे एसिडिक पूछे चाहे बेसिक पूछे चाहे न्यूट्रल पूछे आप बता सकते हो, और ये बात भूलना नहीं है आपको, समझ में आ रहा है, भूल जाएंगे बस फिर से बड़ी बड़ी चीज़ें भूल जाएंगे, पूरी फिजिक्स निपटा दी हमें बायो आप पढ़ाते हो जाओ, आज आपने पढ़ाया नहीं हो अभी तो पढ़ लेते बहुत से दस से, तो घर जाने के बाद हम फिर किताब खोलते नहीं हैं, कॉपी नोट्स क्या होता है उसमें पूरे खा लेते समझ पा रहे फ्राई कर रहे पेपर का टाइम भी समझ पा रहे जो पढ़ा है उसको भी कभी याद करो, अब मेरे पास एक क्लास की बच्ची है मुझे बता दी थी कि अमीनो एसिड के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, अमीनो एसिड जब बेटा जुड़ते हैं ना समझ पा रहे जब अमीनो एसिड क्या होती है बेटा बात करें ज्वाइन होते हैं तो मतलब आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें या उसी को अपन क्या बोल सकते हैं अमाइड, पेप्टाइड बोल रहे क्या बोल सकते हैं उसको अमाइड बोलो बेटा बात करें पेप्टाइड और अमाइड, और मैंने आपको बता दी थी अमाइड बोल को अपन कैसे पहचानते हैं जहाँ आपको ये